कुछ फिजिकल अटैक हुआ तो कैसे करना है। फर्स्ट थिंग ये जानना जरूरी है कि गर्ल्स को नेचुरली भगवान ने फिजिकली बॉयज से कम स्ट्रांग बनाया है, मीन्स बॉयज हमसे फिजिकली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है नेचुरली। तो फर्स्ट थिंग हम उनसे डायरेक्ट फाइट लेके नहीं जीत सकते। अगर किसी ने आपको सामने से मारा तो आप अगर सोचोगे कि मैं उससे फाइट करूंगी और जीत जाऊंगी तो वो नहीं होगा, अनलेस आप प्रोफेशनल हो उस काम में और करते आ रहे हो। तो अगर किसी ने आपको कहीं से पकड़ लिया, कुछ कर लिया, तो ट्रिक से या फिर उसको कहीं से चकमा दे के, धोखा दे के ही आप वहाँ से बच निकल सकते हैं। तो ये सब तो बात की बात है। पहले बात आती है कि हर टाइम फिजिकल नहीं होता है, कुछ टाइम हमको परेशान करते बातों से लड़के एंड ऑल। तो इस चीज़ के लिए अगर आप फील कर रहे हो कि कोई आपको डेली परेशान करता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे ट्यूशन में हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे हो, टॉक अबाउट इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करिए। और एंड पेरेंट्स ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में देखा गया है कि जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, नॉट रेप, अगर उसके छोटे लेवल के भी कुछ होता है लाइक कहीं मारपीट, एसिड वगैरह, तो वो चीज़ें लड़के उनको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे होते हैं, बट वो बात अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते क्योंकि उनको डर रहता है कि शायद मैंने पेरेंट्स को बता दिया तो पेरेंट्स मेरा वहाँ से जाना बंद कर देंगे, शायद मैं जो कपड़े पहनती हूँ वो मेरा चेंज कर दे या फिर मेरी पढ़ाई छुड़ा दे। तो आप अपने पेरेंट्स बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली रहिए कि बाहर कुछ अगर प्रॉब्लम हो, हर टाइम फिजिकल नहीं होता, अगर कोई उनको बातों से परेशान करता है तो आपसे आके बात करेगी, मम्मा पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप देखिए क्या सीन हो रहा है। तो हो सकता है फिर आगे फिजिकल तक बात ना जाए और वो ऐसे ही सॉल्व हो जाए। ये हो गया। सेकेंड थिंग, ऑलवेज हमेशा पेपर स्प्रे कैरी कीजिए। हर टाइम फाइट नहीं ले सकते, कोई दिख रहा है सामने से आपको अटैक करने आ रहा है, पेपर स्प्रे, दैट्स इट, भाग जाओ वहाँ से। और आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, कहीं पे आप जा रहे हो, लेट आने वाले हो, तो पेरेंट्स को लाइव ट्रैकिंग ऑन करके रखो कि मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ पे यहाँ से निकली हूँ, इस फ्रेंड के साथ हूँ। तो आपके पेरेंट्स भले ही आपके साथ ना रहे बट उनको पता रहता है कि मेरा बच्चा अभी इस पॉइंट पे पहुँचा है, यहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे इतना देर रुक क्यों गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसके साथ। ये सब हो गए, ये सब छोटे बातें हैं जो ध्यान रखनी है पेरेंट्स और बच्चों दोनों को, तो फिर आगे फिजिकल अटैक तक जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस में इतना सब करने के बाद भी फिजिकल अटैक के हो जाते हैं। तो मैं मेरा क्लासमेट एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन आपको बताएंगे कि लाइक इस टाइप से अटैक हो तो कैसे बच सकते हैं। मैंने बस जैसे ही बताया, लड़के फिजिकली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आप फाइट डायरेक्ट लेके उनसे नहीं मिल सकते। तो बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ चाहे वो लड़का हो लड़की हो, आप मारोगी तो उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी कोई आपको पकड़ रहा है, आप उसको पंच करेंगे पेट पे, इस पर कुछ नहीं होगा, जरा सा होगा आपको वापस पकड़ लेंगे। बट कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी में जहाँ पे आप वॉर करोगे तो बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट आता है, जरा सा वॉर करोगे पूरा बॉडी सुन होगा। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पार्ट से, फर्स्ट पार्ट नोज, हमारे नोज के बॉडी को बहुत सारे नर्व्स के एंड होते हैं। कोई आपको आ रहा है मारने को, आप जितना पेट पे मारेंगे उसको कुछ नहीं होगा, बट नोज पे अगर उसके हाथ कवर से भी मारेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके नीचे आए ईयर्स, अगर किसी को ऐसा लगा है हम कुछ नहीं कर पा रहे, थप्पड़ मार सकते, गाल पे मत मारिए, कुछ नहीं होगा, ट्राई कीजिए कान पर मारने का, लगता है सुन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे नर्व्स के एंड होंगे। बॉडी पार्ट से नीचे आएंगे, ये पार्ट यहाँ पे आपकी उंगली अंदर जा सकती है, अगर वहाँ पे मारेंगे ड्राइवर वो अंदर जाता था, वहाँ पे अगर जोर से करोगे तो आपको चोक होने लग जाता है, लाइक सांस लेने का प्रॉब्लम, नहीं करना। तो कोई आ रहा है कहीं और मारने से अच्छा उंगली जोर से मारते हुए हाथ मारते हुए यहाँ पे चोक हो जाएगा, एक दो मिनट के लिए बंदा वो हो जाएगा संभालने के टाइम। नीचे आएगी हमारी नीज, नीज का खास ये बात है आगे कितना भी झुक सकते बट पीछे रखा भी नहीं झुक सकते, स्ट्रेट ही रह सकते। कोई आपको दिख रहा है आगे से आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, नीज जोर से लात मारेंगे नीज टेढ़ा हो जाएगा, वो चल भी नहीं पाता, बंदा नहीं होता, ठीक होने में उसको बहुत टाइम लगेगा। और मेन सबसे मेन बिटवीन टू लेग्स, कुछ नहीं हुआ तो बिटवीन टू लेग्स मारेंगे लड़कों को तो वो बहुत देर तक वो एकदम हिल भी नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता क्या होगा। ये सब मैंने बता दिया क्योंकि हर टाइम जैसा मैं बताई वैसा नहीं होता, तो कभी आपका क्योंकि ब्रेन तुरंत वो करता है ना, तो आपको मालूम रहना चाहिए क्योंकि सीधे पैसे कहाँ भी मारना है, पेट पे नहीं मारना है, नोज पे मारना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बोलते हैं। ये सब नॉर्मल बातें होती है, मैं बता रही हूँ कैसे किसी ने इस टाइप से पकड़ लिया तो कैसे उसको होता है। सपोज मैं चल रही हूँ, किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया, दूसरा हाथ से आपको अपना हाथ पकड़ लिया जोर से, हाथ ये रहता है लेकिन इसके ऊपर डालना है ऐसे ऐसे कुछ बुरा, मेन आपका एम होना चाहिए हाथ कैसे छूट जाए, उसके बाद तो आप मुँह पे मारो पैर से मारो आपकी मर्जी, जहाँ पे हो जाए।
ये हो गया। सेकंड थिंग मैं जा रही, किसी ने मेरे को शोल्डर से पकड़ लिया, जोर से। क्या करना है, एक चीज बताते हैं, हमारा जो हाथ होता है ना, किसी ने जोर से पकड़ लिया, लड़के ज़्यादा मुस्कुलर होते हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाथ मेरे यहाँ पार होता है, टच कर लो, दो अंगूठी भी और ये वाला भी, उसको जोर से प्रेस करो, बहुत जोर से, कितना भी उसने टाइट पकड़ा हो, चाहे कितना भी मुस्कुलर वो पार दबाओगे, पूरे बॉडी का उसका बैलेंस छूट जाएगा। समझ लो हम चल रहे हैं, शोल्डर के पीछे उसने पकड़ लिया, ऐसे हाथ नहीं हटा सकती मैं, इसका हाथ ऐसे पकड़ना है, यहाँ पर जोर से करना है, हाथ इस पर लूज हो जाएगा, चुका के मेरे बात ये समझा ना, यहाँ वहाँ पर पकड़ना है, ये कुछ कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, पकड़ लो कुछ नहीं जा रही हूँ, किसी ने पीछे से मेरा बाल पकड़ लिया, छुड़ा नहीं सकती क्योंकि फिर मेरे बाल खींच जाएंगे और मैं हिल वो हो जाऊंगी, हाथ पकड़ना है वो वाला पार्ट दबाना है, उसका एकदम लूज हो जाएगा हाथ, उल्टा घुमाना है, ये मारो ये मारो, उसके बाद बारी आती है सामने से, सामने से हम चल रहे बंदे को देखो हाथ पकड़ो, एक ह्यूमन बॉडी के यहाँ पर उल्टे हाथ वो करोगे तो नहीं हो पाता, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा करोगे जल्दी ऐसे करो, ऐसे होगा इसको, ये करके जोर से झटका करके नीचे के तरफ ये मारो, आराम से घर तक पहुँच जाओगे तब तक इसको दीदी मैम दोनों हाथ से मिल लीजिए मुझे, किसी ने पीछे दीवार पे दोनों हाथ से वो कर, अब बता क्या करेंगे, जोर से इसको ऐसे करना, बंदा नीचे हो आएगा, ऐसे मार जिस पहले से होती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग जो हाथ मैंने बताया जोर से रखो एकदम।